ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। चुलबुल पांडे बने चोर, क्या फिल्म में धूम मचाएंगे नए खान? कब तक होगा फिल्म का दीदार? कौन बनेगी धूम 4 की हीरोइन? 2014 में जब पहली बार यश राज ने धूम जैसी फिल्म बनाने की सोची तो लोगों को काफी शॉक लगा, क्योंकि इससे पहले यश राज की फिल्में लव स्टोरी और फैमिली से जुड़ी होती थी, पर धूम का कंसेप्ट बिल्कुल ही नया था यश राज के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी। फिल्म में पहली बार जॉन अहम भूमिका में दिखे थे, उसके बाद ऋतिक रोशन और धूम के तीसरे पार्ट में हमें दिखे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। धूम को लेकर हमेशा लोगों में यही चर्चा रहती है कि आखिर अब कौन बनेगा फिल्म का नया चोर। खबरों की माने तो फिल्म में इस बार नए खान को लाने की बात भी सामने आई है, और ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान हो सकते हैं। इससे पहले कई बार सलमान पुलिस वाले बन के चोर की पिटाई करते तो दिखे हैं, पर इस बार वो खुद चोर बनेंगे और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते नजर आ सकते हैं, और ये किरदार उनका अब तक का सबसे हटके किरदार होगा। फिल्म ने अपना पहला पार्ट से दूसरे पार्ट तक का सफर 2 साल में तय किया, पर तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म ने पूरे 7 साल लगा दिए, और अब फिल्म के तीसरे पार्ट को आए हुए 9 साल होने को आया, पर फिल्म को लेकर बस चर्चा ही हमें देखने मिल रही है, और आने वाले कुछ समय तक हमें सिर्फ चर्चा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर के तीसरे पार्ट में बिजी है, जिसके बाद उनकी कभी ईद कभी दिवाली आनी है, और उसके बाद किक 2 भी। ऐसे में हमें धूम 4 पिछले 2 साल तक तो पर्दे पर नहीं दिखेगी, पर जहां तक फिल्म की शूट की बात है तो उसकी खबर हमें जल्दी सुनने में आ सकती है। फिल्म में हीरो कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, पर जब तक उसके साथ हीरोइन का तड़का नहीं लगता, बॉलीवुड फिल्म अधूरी ही लगती है। तभी तो धूम जैसे फिल्म जहां हीरोइन का इतना ज्यादा काम ना होते हुए भी हमें तीनों पार्ट के अंदर अलग अलग हीरोइन देखने मिली, जहां कभी ऐश तो कभी कैट दिखी, जो कि 4th पार्ट में दोबारा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि इस बार फिल्म में सलमान खान आने वाले हैं, और सलमान के साथ दोनों हीरोइन के जो रिश्ते रहे हैं उसे तो पूरा इंडिया जानता है। एक बार वो कैटरीना हमें फिर भी सलमान के साथ दिखाई दे सकती है, पर ऐश्वर्या राय तो सलमान के नाम से ही धूल भागती दिखाई देती है। ऐसे में फिल्म के इस पार्ट में हमें नई हीरोइन देखने को मिल सकती है, और खबरों की माने तो इस बार फिल्म में एक्शन का क्रेज बढ़ा सकती है दीपिका पादुकोण। बता दें, अगर ये सच होता है तो सलमान और दीपिका पहली बार पर्दे पर साथ आएंगे। इससे पहले कई मौके पर दोनों को साथ आते आते रह गए, और दोनों एक दूसरे के साथ कई टीवी शो के अंदर हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं। ऐसे में पर्दे पर भी इनकी जोड़ी काफी धमाल मचाती दिखाई दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में सलमान और दीपिका की जोड़ी सबको आएगी पसंद, या दोनों को लेकर बनेगा सोशल मीडिया पर मजाक? कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें।